हेलो हाय, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन. सो आज हम रीजनिंग का जो लास्ट टाइम टॉपिक करवाया था उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. लास्ट टाइम आपको टॉपिक करवाया था जी काउंटिंग ऑफ फिगर. काउंटिंग ऑफ फिगर आपको काउंट करना सिखाया था. स्क्वेयर के फिगर को काउंट करना आपको मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में. आज हम आपको राइट एंगल की फिगर्स को काउंट करना सिखाएंगे. तो देखते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को कोई फिगर दे रखी है और इसमें निकालने हैं फाइंड दी नंबर ऑफ राइट एंगल. ठीक है जी, इसको हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले तो राइट एंगल पता है क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा इक्वल हो. इसके अंदर स्क्वेयर भी होंगे और जो स्क्वेयर नहीं होते वो भी होंगे, बट इसमें एक ही कंडीशन है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी. तो सबसे पहले इसको अलग अलग से देखते हैं. वन एक राइट एंगल होगी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एक कंप्लीट वाली कितनी होगी जी? नाइन. तो नाइन मेरा आंसर आ गया. तो नाइन इसके अंदर राइट एंगल्स है. कितने राइट एंगल है जी? नाइन. तो अब हम इसको एक ट्रिक से करवाएंगे. अब देखेंगे ये स्मॉल क्वेश्चंस है, वहां तो हम स्मॉल फिगर है, वहां तो हम सोल्व कर सकते हैं काउंट करके, बट यहाँ भी कोई मिस्टेक होने का प्रॉब्लम रहती रहती है कि क्या पता कोई फिगर को हम काउंट ना करें और हमारा आंसर गलत हो जाए. तो इसके लिए हम आपको ट्रिक करवा रहे हैं. ट्रिक्स ट्रिक्स है जी. सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिक्स है जी. ट्रिक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी रो है उनको नंबरिंग कर दो, जितने भी कॉलम है उनको भी नंबरिंग कर दो. और ट्रिक हमारी बोलती है कि सम ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई में सम ऑफ रोज. हमें याद रखना है कि कॉलम्स के नंबरिंग को सम करना है. दो कॉलम है जिसमें दो ही, सॉरी कितना हो गया, वन और टू थ्री, थ्री इंटू वन और टू थ्री कितनी होगी जी? नाइन. तो मेरा आंसर सही है. कितनी है जी फिगर राइट एंगल्स? नाइन राइट एंगल्स. आई होप समझ में आया होगा. तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल. देखते हैं, अपने को फिगर दिया है ये वाला. इस फिगर में अपने को नंबर ऑफ राइट एंगल्स काउंट करनी है. तो सेम ट्रिक है जी. सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद ट्रिक लगाएंगे. तो सम ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई सम ऑफ रोज. ठीक है, वन और टू थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स और फोर टेन मल्टीप्लाई वन और टू थ्री, थ्री थ्री सिक्स. तो इसमें हमारा आंसर आता है 60. तो इसके अंदर राइट एंगल कितने हमारे? 60 है जी. अगर आप इसको काउंट करने बैठेंगे, फिगर से काउंट करने बैठेंगे, तो कम से कम आपको 2 से 4 मिनट लग जाएगी. बट हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर हमें कोई भी एग्जाम हो उसमें रीजनिंग के अंदर हमें पर क्वेश्चन 5 से 10, 5 to 10 सेकंड ही देनी है. ज्यादा टाइम दिया तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ट्रिक से ही करना है रीजनिंग को. आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हम स्क्वेयर की काउंटिंग करवा चुके हैं, राइट एंगल की भी काउंटिंग करवा चुके हैं, आज हम करवाएंगे ट्राइंगल्स की.
ट्रायंगल की काउंटिंग करवाएंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। किस में जी? कोई भी मेरे को शेप दे रखी है, इसके अंदर मेरे को ट्रायंगल काउंट करनी है। सबसे पहले एक तो वही जो बेसिक सा तरीका है जी, काउंट करो वन ट्रायंगल, टू और एक कंप्लीट वाली थ्री। तो कितनी ट्रायंगल है जी? थ्री। दिस इज माय आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को हमने नंबरिकली, अब देखेंगे सब में बेस तो सेम ही है, तो क्यों ना हम बेस तो सेम ही है, क्यों ना हम बेस लाइन को ही काउंट कर ले। वन टू थ्री, बेस लाइन कितनी हुई? थ्री। तो वही सेम क्या करना है, पहले जो नंबरिंग की है उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस कितने हैं? थ्री। ठीक है, वन और टू थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स और फोर टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई थ्री, तो सिक्सटी थ्री। इसके अंदर 63 हमारी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसका लास्ट टॉपिक काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, सर्कल की काउंटिंग करना आज आपको सिखाएंगे। वैसे तो एग्जाम में बहुत ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है सर्कल से, लेकिन फिर भी इसको हम करवाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मेरा कोई क्वेश्चन दिया है, तो मेरे को ये क्वेश्चन दिया है जी, इसके अंदर मेरे को काउंट करने हैं कितने सर्कल्स हैं। तो ठीक है जी, फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल। कैसे करेंगे? सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। जैसे ये है, इसके अंदर वन टू थ्री, इसमें वन टू थ्री, वन टू थ्री, सब में थ्री थ्री है, तो टोटल मिला के सिक्स है, सिक्स इंटू थ्री। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे कॉमन है ट्रायंगल, उस कॉमन है, जो हमारे कॉमन है सर्कल, उनको हम काउंट करेंगे। जैसे ये वन है, दोनों में आता है, ये भी है, ये भी है, कितने हो गए? थ्री। तो अब हम इनको सोल्व कर देंगे, सिक्स थ्री जा एटीन प्लस थ्री, कितना हो गया जी? ट्वेंटी वन। तो इसके अंदर ट्वेंटी वन हमारे सर्कल्स हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, वरना आना ही नहीं है यहाँ से। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को काउंट करना। अभी क्वेश्चनों काफी क्वेश्चन आते हैं इससे भी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे मेरे को ये क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन बतानी है। अब स्ट्रेट लाइन हमारी, जो स्ट्रेट लाइन है वो थ्री तरह की होती है। कितने तरह की? थ्री तरह की। नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर दो वर्टिकल लाइन, नंबर थ्री डायगोनल लाइन। ठीक है, इन तीनों को निकालेंगे हर फिगर से, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे, वर्टिकल करेंगे, डायगोनल करेंगे, फिर उनको हम सम कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो इस फिगर में हम देखते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वन और वन टू, कितनी है जी? टू। वर्टिकल लाइन कितनी है? ये और ये, कितनी है? ये भी टू। डायगोनल वन और टू। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सिक्स। दिस इज माय आंसर। इसके अंदर सिक्स स्ट्रेट लाइंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें बतानी है स्ट्रेट लाइन कितनी। सेम है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल, फिर डायगोनल, और सबको ऐड कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो इसमें वन और वन टू, वर्टिकल लाइन वन और वन टू, डायगोनल लाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल कितना हो गया 10। तो हमारी टोटल स्ट्रेट लाइन इसके अंदर कितनी है जी 10। क्वेश्चन खत्म जी। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। Thank you.